Hey guys, welcome back. तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं BTC डोमिनेंस उसके बाद में डिफरेंट altcoin लाइक इथेरियम एलटीसी रून सोलाना एफटीएम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में अभी आपको जो मार्केट में न्यूज देख मिल रही है वो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, तो आपके जो भी डाउट है हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन गाइस अगर चैनल पहली बार है, अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में डेली अपडेट चाहिए तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमें देख सकते हो इस टाइम पर हमने बिटकॉइन का लैचेट ओपन किया 4-4 के चार्ट में। सेम चार्ट हमने आपके साथ में 2-3 दिन पहले शेयर किया था। हमने डायरेक्टली बोल के रखा था कि अगर आपको किसी भी altcoin में लाइक BTC में किसी भी altcoin में लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है तो आपको एंट्री नहीं बनाना, क्योंकि BTC के प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो गाइस एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमारे अपडेट के बाद में BTC 16.9 के से आपको इसके प्राइस में कल की डेट में 16.3 के तक डाउनफॉल देखने को मिलता है। एंड कल की डेट के अंदर ही हमने आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि BTC को हमारा टेक्निकली 16.4 के पास में टेलेंट सपोर्ट है। तो दोस्तों अब हमें देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने, जो हमारी कैंडल है पिन पॉइंट 16.4 के से आपको इसके प्राइस में बाउंस बैक देख मिलता है, इनिशियल बाउंस बैक देख मिलता है, उसके बाद में 16.6 के तक राइज देख मिलता है। तो गाइस अगर अगेन आपको किसी भी altcoin में एंट्री बना के रखना है तो आपको करंट प्राइस में एंट्री नहीं लेना, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया हो सकता है कि BTC के प्राइस अगेन आपको इसके प्राइस में डाउनफॉल देख मिले। अगर BTC नीचे आता है तो ऑब्वियसली आपको altcoin के प्राइस के अंदर भी डाउनफॉल देख मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप हमें देख सकते हो स्टोकास्टिक कार साइज हमने 2-3 दिन पहले ही आपको स्टोकास्टिक कार साइज से एक्सप्लेन किया था, साथ में डायवर्जेंस से एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2-3 दिन पहले जब हमारा स्टोकास्टिक कार से ओवरबोर्ड जोन के पास में था, जैसे ही हमारे स्टोकास्टिक कार से सिग्नल लाइन ओवरबोर्ड जोन से आपको इसके प्राइस में डाउनफॉल देख मिला, जैसे ही हमारे सिग्नल लाइन ओवरबोर्ड जोन से आपको ओवरसोल्ड जोन के पास में देख मिली, आपको बिटकॉइन के प्राइस में काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देख मिला। तो अगेन जो हमारा स्टोकास्टिक कार से इसके अंदर सिग्नल लाइन ओवरबोर्ड जोन के पास में, तो अगर हमारी सिग्नल लाइन ऊपर से नीचे आती है यानी कि ओवरबोर्ड जोन से आपको ओवरसोल्ड जोन तक देख मिलती है, तो उसके बाद में हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस इजीली आपको इसमें 16,000 या 16.2 के तक डाउनफॉल देख मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको किसी भी altcoin में एंट्री बना के रखना है तो आपको करंट प्राइस में एंट्री नहीं लेना, क्योंकि 4-4 चार्ट के अंदर भी जो हमारा स्टोकास्टिक कर सही अभी ओवरबोर्ड जोन के पास में, साथ में आप यहां पर देख सकते हो 1-4 चार्ट के अंदर दोस्तों 4-4 टाइम्स के अंदर जो हमारा स्टोकास्टिक कर सही इस टाइम पर ओवरबोर्ड जोन के अंदर है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो 1-4 चार्ट के अंदर गाइस एग्जैक्टली 1-4 चार्ट के अंदर भी जो हमारा स्टोकास्टिक कार्स में सिग्नल है ये भी ओवरबोर्ड जोन के पास है। तो इस तरह से अभी हमारे करंट प्राइस में कोई भी एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि अगर हमारे कैंडल 16.4 के वाली जो हमारे यहाँ पर टेलन है अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद में हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस में आपको काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देख मिल सकता है। अगर BTC से नीचे आता है तो उसके बाद में आपको altcoin के प्राइस में काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देख मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा डोमिनेंस है दोस्तों एग्जैक्टली डोमिनेंस वन डे के चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सपोर्ट जोन से बाउंस बैक ले रहे हैं, जो हमारा BTC से नीचे आ रहा है जबकि हमारा डोमिनेंस काफी अच्छा खासा राइज हो रहा है, हमारे सपोर्ट जोन से काफी अच्छा खासा राइज हो रहा है। तो अगर डोमिनेंस यहाँ से हमारे सपोर्ट जोन से 1340 वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है अगर से बाउंस बैक लेता है, अगर आपको इसके प्राइस में और राइज देखने मिलता है तो उसके बाद में हो सकता है कि आपको मार्केट में काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिले, क्योंकि जब भी हमारा BTC नीचे आता है जब भी हमारा BTC डोमिनेंस ऊपर जाता है तो आपको altcoin के प्राइस में काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मार्केट में आपको इटली की तरफ से काफी न्यूज देखने मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इटालियन पार्लियामेंट अप्रूव 26% क्रिप्टो गेन टैक्स इन 2023 बजट। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया क्रिप्टो गेन टैक्स। एंड आप यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनियस न्यू बिल आल्सो इंक्लूड एन इंसेंटिव फॉर दोज डिक्लेयरिंग क्रिप्टो फॉर टैक्स पर्पज। गाइस काफी लोगों को डाउट है कि जो क्रिप्टो गेन टैक्स इसका मतलब क्या क्रिप्टो गेन का, तो नीचे आप यहाँ पर देखिए जो भी हमारा लॉस होता है वो प्रॉफिट के अंदर क्रेडिट आउट किया जाएगा। According to new rules, losses from crypto investment can be deducted from profits and be carried forward. तो दोस्तों इस तरह से जो भी आपका loss होता है वो profit के अंदर carried forward किया जाएगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर tax लगने वाला है वो capital gain tax होगा। Guys, तो इस तरह से जो आपको इटली में अभी जो आपको न्यूज देख मिल रही है वो इनडायरेक्टली क्रिप्टो को लीगलाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी altcoin में इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना के रखना है तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने 2-3 दिन पहले आपको BTC का चार्ट वीकली चार्ट में शेयर किया था, हमने डायरेक्टली मेंशन किया था कि BTC को टेक्निकली 12,000 के पास में मेजर सपोर्ट जोन है जबकि 13.5 के पास में हमारा टेलेंट सपोर्ट है। साथ में अभी आपको जो मार्केट में पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव न्यूज देखने मिल रही है, तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी भी altcoin में होल्ड करना चाहते हो तो ओनली आपको BTC इथेरियम को ही होल्ड करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो LTC के चार्ट को। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम पर हमने LTC का लैचेट ओपन किया 4-4 के चार्ट में, इस टाइम पर LTC का करंट प्राइस चला 67.98 के पास में। तो अगर आपको LTC में
लोन के लिए सपोर्ट में एंट्री बना के रखना है। तो टेक्निकली हमारा सपोर्ट जो है ना 64 के पास में। तो दोस्तों अगर आपको एलटीसी में लोन के लिए एंट्री बना के रखना है तो आपको 64.7 से नीचे एंट्री बना के रखना है। गाइस फर्स्ट एंट्री आपको बना के रखना है 64.7 के पास में। उसके बाद में आपको बीटीसी को फॉलो करते हुए डीसीए करना है अराउंड 61 के पास में, क्योंकि 64.7 के पास में हमारा सपोर्ट जोन है। आपको सपोर्ट जोन से जस्ट अबव फर्स्ट एंट्री बना के रखना चाहिए। उसके बाद में आपको डीसीए करना चाहिए बिटकॉइन के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारे कैंडल है पास्ट में हमारे सपोर्ट जोन से, पास्ट में जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो हमारे कैंडल है एग्जैक्टली पिन पॉइंट इस पॉइंट के पास में रिजेक्शन लेते हैं। उसके बाद में आपको इसके प्राइस में काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिलता है। अगेन दोस्तों अपन देख सकते हो जो हमारे कैंडल है अगेन इस पॉइंट के पास में रिजेक्शन लेते हैं। उसके बाद में आपको इसके प्राइस में काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिलता है। एंड अगेन जो हमारे कैंडल है अगर 64 के पास में आती है तो आपको फर्स्ट एंट्री बना के रखना है बिटकॉइन के अकॉर्डिंग 64 के पास में, 64.7 के पास में, 64.7 के पास में। उसके बाद में आपको डीसी करना है बिटकॉइन के अकॉर्डिंग 61 के पास में। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो रून के चार्ट को दोस्तों, इस टाइम पर हमने रून का लाइट ओपन किया फ्लोर के चार्ट में। अगर आपको रून में एंट्री बना के रखना है तो आप देख सकते हो रून को हमारा टेक्निकल सपोर्ट है 1.238 के पास में। लेकिन गाइस जहां तक मेरा आईडिया है 1.238 थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको रून में सेफ एंट्री बना के रखना है तो 1.20 के पास में जो हमारी ट्रेंड दिखाई दे रही है ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर आपको रियल में सेफ एंट्री बना के रखना है तो आपको 1.20 के पास में फर्स्ट एंट्री बना के रखना है। उसके बाद में आपको डीसी करना है बिटकॉइन के अकॉर्डिंग अराउंड 1.14 के पास में। दोस्तों अपन देख सकते हो जो हमारे कैंडल है एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमारे ट्रेंड के पास में, इस पॉइंट के पास में सपोर्ट लेते हैं। उसके बाद में आपको इसके प्राइस में काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिलता है। अगेन जो हमारे कैंडल है अगेन जो हमारे ट्रेंड लाइन है इस पॉइंट के पास बाउंस बैक लेती है। उसके बाद में आपको इसके प्राइस में काफी अच्छा खासा राइज देखने मिलता है। अगेन दोस्तों अपन देख सकते हो अगर जो हमारे कैंडल है 1.238 वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है अगर इसको ब्रेक करते हैं तो उसके बाद में हो सकता है कि रून का प्राइस आपको 1.20 के पास में देख मिले। तो अगर आपको रून में सेफ एंट्री बना के रखना है तो फर्स्ट एंट्री आपको 1.20 के पास से बना के रखना है। उसके बाद में आपको बीटीसी को फॉलो करते हुए डीसी करना है। गाइस अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ओनली स्पॉट में ही आपको 1.238 के पास से बना के रखना है, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया अगर बिटकॉइन नीचे आता है, अगर बिटकॉइन अगर हमारे ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इजीली हो सकता है कि रून भी हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद में हमारे ट्रेंड को टेस्ट करने का ट्राई करे। तो आपको फर्स्ट एंट्री सेफ एंट्री 1.20 से लेके 1.21 के पास से बना के रखना है। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो सोल के चार्ट को दोस्तों, इस टाइम पर हमने सोल का लैचेट ओपन किया फोर के चार्ट में। अभी सोल का करंट प्राइस चला अराउंड 9.77 के पास है। तो गाइस अगर आपको सोल में एंट्री बना के रखना है तो जहां तक मेरा आइडिया है हो सकता है कि सोल के प्राइस में अभी आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने मिले। तो अगर आपको सोल में एंट्री बना के रखना है तो टेक्निकली हमारा सपोर्ट जोन होगा जो हमारा ट्रेंड लाइन है अराउंड 7.90 के पास में, 7.80 के पास में आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको सोल में एंट्री बना के रखना है। गाइस पास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे कैंडल है एग्जैक्टली हमारे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हैं। उसके बाद में आपको उसके प्राइस में काफी अच्छा खासा राइज देखने मिलता है। अगेन जो हमारे कैंडल है सेकेंड टाइम ट्रेंड पर सपोर्ट लेती है। उसके बाद में आपको उसकी प्राइस में काफी अच्छा खासा राइज देखने मिलता है। अगेन थर्ड टाइम अगेन जो हमारे कैंडल है ट्रेंड से सपोर्ट लेती है। उसके बाद में आपको उसके प्राइस में काफी अच्छा खासा राइज देखने मिलता है। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कल की डेट में परसों की डेट में जो हमारे कैंडल है आपको सपोर्ट के अंदर सोल का प्राइस 7.96 तक देखने मिला है, जबकि फ्यूचर के अंदर आपको 7.67 या 7.70 के पास में सोल का प्राइस देखने मिला है। तो अगेन जो आपको सोल का प्राइस 7.80 7.90 के पास में देखने मिलता है। तो आपको फर्स्ट एंट्री बना के रखना, क्योंकि इस पॉइंट के पास में, इस जोन के पास में हमारा ट्रेंड सपोर्ट होगा। तो गाइस अगर आपको सोल में सेफ एंट्री बना के रखना है तो आपको 7.80 से लेकर 7.90 के पास में ही फर्स्ट एंट्री बना के रखना। उसके बाद में वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बीटीसी के अकॉर्डिंग डीसी करना है। अभी करंट प्राइस में आपको कोई भी एंट्री नहीं बना के रखना है। गाइस अगर आपको शॉर्ट करना सोल के अंदर तो आपको 10.90 से ऊपर ही शॉर्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पॉइंट के पास में अराउंड 11 के पास में, अराउंड 10.90 के पास में हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्ट करना है। एंड अभी करंट प्राइस में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया हो सकता है कि सोल का प्राइस आपको थोड़ा और नीचे देखने मिले। तो इस तरह से आपको सोल में सेफ एंट्री बना के रखना है हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग। ओके तो आई थिंक समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो अफ टाइम के चार्ट को दोस्तों, इस टाइम पर हमने अफ टाइम का लाइट ओपन किया फोर प्रो के चार्ट में। हमने 2 दिन पहले भी आपको वीडियो में शेयर किया था, हमने डायरेक्टली बोल के रखा था कि अगर आपको अफ टाइम में एंट्री बना के रखना है तो आपको फर्स्ट एंट्री 0.1945 के पास से बना के रखना है। अभी करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 0.1977। तो अगर आपने हमारे बताए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग 0.1945 के पास से एंट्री बना के रखा था तो दोस्तों आपने एटलीस्ट फ्यूचर में 10x के साथ में 26% का प्रॉफिट रन किया। अगर एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो हमारे कैंडल की वीक होती है आप यहाँ पर देख सकती हो 0.1945 से आपको इसके प्राइस में बाउंस बैक देखने मिलता है। उसके बाद में आपको इसके प्राइस में अराउंड 0.1998 तक बाउंस बैक देखने मिलता है, यानी कि फ्यूचर में 10x के साथ में 26% का प्रॉफिट रन किया है।
तो गाइस अगेन आपको हफ्ते में एंट्री बना करके तो आपको 0.1945 के पास में एंट्री नहीं लेना, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है हो सकता है कि जो हमारी कैंडल है अभी इसको ब्रेक कर दे। अगर आपने पास्ट में हमारे बताए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री बनाया तो आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा, लेकिन अगेन आपको हमारे सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग, जो आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं लेना, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है जो हमारी कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद में हो सकता है कि आपको अफटेम का प्राइस अराउंड 0.190 तक देख मिले। तो इस तरह से अगर आपको अफटेम में फर्स्ट एंट्री बना कर रखना है तो आपको फर्स्ट एंट्री 0.19 के पास में ही बना कर रखना है, उसके बाद में आपको डीसीए करना है नीचे बीटीसी के अकॉर्डिंग। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो रियल में अगर आपको बीटीसी बीटीसी डोमिनेंस इथेरियम अल्टीसी रून सोल का प्राइस अच्छा लगा हो तो दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक करना। ओके थैंक यू सो मच।